अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक शॉर्ट वीडियो है। मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से लाइटरूम एंड्रॉइड ऐप इस्तेमाल कर सकते हो। लाइटरूम ऐप है, आपने इसको खोल दिया। और इसके अलावा ये बॉटम में राइट में आपको कैमरे का इमेज दिखाई दे रहा है, इसके साथ प्लस का निशान है, इसके ज़रिए आप इमेज अपलोड कर सकते हो। और सपोज़ अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है, अपडेट की वजह से समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसी तरीके से अपनी इमेज गैलरी खोल दें, जो से एडिट करना है उसको उस पर मार्क कर ले और शेयर कर ले। शेयर करने के बाद आप लाइटरूम पे इसको सेंड कर ले, तो इस तरीके से भी आप इमेज जो है फॉरवर्ड कर सकते हो। अब मैं लाइटरूम खोलूँगा, यहाँ पर होम पेज में ये इमेज पड़े हुए। अब मैं इसको एक को खोलूँगा, जैसा आप देख रहे हो सारे नीचे आपको क्रॉप डिटेल पता नहीं क्या क्या ऑप्शन दिखाई दे रहे। अब मैं जाऊँगा प्रीसेट में, ये रिसेंटली मैंने एक प्रीसेट बनाया था। मेरे तो सिर्फ 3 हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं अभी अभी मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन आप अगर इस्तेमाल कर लो तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छा ये कि आप अपने एडिट कर लो, एक बार ट्राई कर लो, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप फिर बाकी लोगों के प्रीसेट इस्तेमाल कर लो। तो ये मैं इसको अप्लाई करूँगा ओश P2 को, ये मैंने बनाया था, काफ़ी अच्छा मुझे लगा, इसलिए मैंने प्रीसेट सेव कर लिया। तो प्रीसेट सेव करना भी काफ़ी ईजी है, आपने जितनी भी एडिट कर लिया आप ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कर लो, और यहाँ पर ये क्रिएट प्रीसेट है, आप क्रिएट प्रीसेट के ज़रिए अपना प्रीसेट बना सकते हो। सपोज़ इसमें भी आपको मसला हो रहा है और अपडेट की वजह से कुछ मसला हो रहा है, तो कोई मसला नहीं, आप कॉपी सेटिंग है, आप कॉपी कर लो। सेकंड जो से भी इमेज आपको खोलना है उसको खोलने के बाद आप 3 डॉट पर क्लिक कर दो, पेस्ट कर लो। तो इसके ज़रिए भी आप जो है एक प्रीसेट एक तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हो एक इमेज से दूसरी इमेज तक। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त ऐप है, आप यूज़ कर लो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छा जैसा मैंने कहा, वीडियो भी काफ़ी इजी है, यानी इस प्रीसेट को आप इस्तेमाल करना चाहते हो, आप उस वीडियो का एक इमेज लाइटरूम में इम्पोर्ट कर लो, यानी शेयर कर लो, इस तरह इम्पोर्ट कर लो और सेटिंग कर लो। जो सेटिंग में आपने सब कुछ कर लिया, क्लियर हो गया, आपको अच्छा लगा फ्रेम, आप उसी फ्रेम को जो है प्रीमियर प्रो में इम्पोर्ट कर लो। और उसके अलावा कलर मैच का ऑप्शन है, काफ़ी हैंडी है, काफ़ी यूजफुल है। 2018 में ये फंक्शन आया था प्रीमियर प्रो में, अभी तो काफ़ी मैच्योर हो गया वो, तो आप मैच कलर के ज़रिए जो है उस इमेज को मैच कर लो, और उसके बाद ऑटोमेटिक सारे वीडियो आपको उसी तरह हो जाएगा। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन तो आप पूछ लो, कमेंट्स बिलो कर लो, और फ्यूचर के लिए कोई वीडियो समझ में आ रहा है आपको बता दो मुझे। ओके बाय, अस्सलाम वालेकुम।